नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तमन्ना। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल ओके क्रेडिट। आज दूसरी फ्रेंचाइजी की बात करेंगे जिसका नाम है पोस्टल एजेंट फ्रेंचाइजी। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह से आप अपना बिजनेस जो है वो पोस्ट ऑफिस के साथ शुरू कर सकते हैं और बिना किसी नुकसान के आप इसका फायदा उठा सकते हैं। हमने आपको बताया था कि दो तरह की फ्रेंचाइजी लेकर आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। पहली हमने आपको बता दी थी जिसका नाम था आउटलेट फ्रेंचाइजी। आज दूसरी फ्रेंचाइजी की बात करेंगे जिसका नाम है पोस्टल एजेंट फ्रेंचाइजी। जी हाँ, इस फ्रेंचाइजी के अंतर्गत आपको स्टेशनरी, पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड स्टेशनरी, चाहे वो डाक टिकट हो, ये आपको खरीदनी पड़ेगी और ये आपको पोस्टल डिपार्टमेंट ही मुहैया कराएगा। अब क्योंकि पोस्टल डिपार्टमेंट चाहे वो गांव हो चाहे वो शहर हो, तमाम जगहों पर उपलब्ध होता है, ऐसे में जब भी आप इसके लिए अप्लाई करेंगे आपको ये पर्टिकुलरली आपको ये बताना पड़ेगा कि आप शहर में अप्लाई करना चाहते हैं या फिर गाँव में अप्लाई करना चाहते हैं। तो चलिए इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेते हैं। डाक एजेंट के चयन के लिए निर्धारित किए गए मानदंड। आपको बता दें, जो भी इसमें आवेदन भरना चाहता है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन इसके लिए आवेदन कर सकता है। इसका प्रोसेस क्या है, किस तरह से आप आवेदन भरेंगे, उसकी जानकारी आपको देते हैं। जिनका सिलेक्शन डाक एजेंट के लिए कर लिया जाएगा उन्हें एक फोटो पहचान पत्र दिया जाएगा, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के परिवार का कोई सदस्य पोस्ट ऑफिस में कार्य करता होगा तो वो व्यक्ति इस पोस्ट ऑफिस की उस डिवीजन में डाक एजेंट बनने के लिए योग्य नहीं होगा जिससे उसके परिवार का सदस्य काम करता होगा। डाक एजेंट स्कीम के लिए केवल वो लोग ही अप्लाई कर सकते हैं जिनकी उम्र 18 या उससे अधिक है। वहीं इस स्कीम के लिए अप्लाई करने के लिए कोई भी अधिकतम आयु सीमा नहीं बताई गई है। स्कीम में अप्लाई करने के लिए किसी तरह की कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं बताई गई है, यानी कि आप जितने भी पढ़े लिखे हैं या फिर पढ़े लिखे नहीं हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। किस तरह से किया जाएगा चयन। जो लोग भी एजेंट बनना चाहते हैं उनको एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को भरना होगा और उसी के बाद आपका सिलेक्शन निर्धारित किया जाएगा। फॉर्म को डाक विभाग में जमा करवाना होगा जिसके बाद संबंधित मंडल प्रमुख द्वारा आवेदन के आधार पर पोस्टल एजेंट का सिलेक्शन किया जाएगा। जिन व्यक्तियों का सिलेक्शन संबंधित मंडल प्रमुख द्वारा किया जाएगा उन व्यक्तियों को एक फोटो पहचान पत्र दिया जाएगा। इस पहचान पत्र में उस डाक एजेंट का नाम और फोटो होगी। ये फोटो पहचान पत्र एजेंट को संबंधित विभागीय प्रमुख के ऑफिस में लाना होगा और ये फोटो पहचान पत्र आपके द्वारा जमा किए आवेदन के एक हफ्ते के अंदर जारी कर दिया जाएगा। जिन व्यक्तियों का सिलेक्शन पोस्टल एजेंट के रूप में होगा उन व्यक्तियों को किसी भी तरह का एग्रीमेंट या फिर मेमोरेंडम नहीं दिया जाएगा। यही नहीं, जिन व्यक्तियों का सिलेक्शन पोस्टल एजेंट के लिए होगा उन्हें किसी तरह का डिपॉजिट जमा नहीं कराना पड़ेगा, यानी बिना किसी निवेश के आप पोस्टल एजेंट बन सकते हैं। एक और बात, अगर कोई इंडिविजुअल डाक एजेंट बनने के लिए अप्लाई करता है और उसका सिलेक्शन हो जाता है तो फोटो पहचान पत्र उस इंडिविजुअल के नाम पर जारी किया जाएगा, लेकिन अगर किसी संगठन द्वारा डाक एजेंट स्कीम के लिए आवेदन किया जाता है और उस संगठन का सिलेक्शन अगर हो जाता है तो इस केस में उस संगठन के मुख्य या फिर उस संगठन के द्वारा इस काम को करने के लिए नॉमिनेट किए गए व्यक्ति के नाम पर कार्ड जारी किया जाएगा। पोस्टल एजेंट बनने के बाद आपको लिंक पोस्ट ऑफिस जाकर पूरा सामान खरीदना होगा। जितना भी स्टेशनरी का सामान है, चाहे वो डाक टिकट हो या फिर अन्य सामान हो, वो आपको वहां जाकर खरीदना होगा और उसकी जिम्मेदारी लिंक पोस्ट ऑफिस के प्रभारी की रहेगी। लिंक पोस्ट ऑफिस के प्रभारी को समय समय पर यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पोस्ट ऑफिस से जुड़े हुए एजेंट को डाक टिकट और स्टेशनरी का सामान आसानी से उपलब्ध करवाया जा सके। डाक टिकट और स्टेशनरी का सामान खरीदने में जितना भी खर्च आएगा वो पोस्टल एजेंट को खुद से करना होगा और इनको खरीदने में जो भी खर्चा आएगा उसका भुगतान केवल कैश के रूप में ही किया जाएगा, यानी आप किसी भी प्रकार का चेक देकर या फिर कार्ड के जरिए पेमेंट नहीं कर सकते हैं। नियमों के अनुसार पोस्टल एजेंट को एक समय पर कम से कम 300 रुपए का सामान खरीदना होगा और ये सामान एजेंट को उसकी फोटो कार्ड को देखने के बाद दिया जाएगा। जिस वक्त पोस्टल एजेंट सामान खरीदेगा उसी वक्त उस सामान को खरीदने के बाद मिलने वाली कमीशन को उसकी भुगतान राशि से काट दिया जाएगा। यानी अगर आप 300 रुपए की डाक टिकट लेते हैं तो उस डाक टिकट पर मिलने वाली 5% कमीशन को 300 रुपए में काट दिया जाएगा और पोस्टल एजेंट को केवल बची हुई राशि का भुगतान करना होगा।
डाक एजेंट के द्वारा खरीदे गए टिकटों और अन्य सामानों का रिकॉर्ड इस लिंक पोस्ट ऑफिस में रखा जाएगा, जिस लिंक पोस्ट ऑफिस में पोस्टल एजेंट द्वारा टिकट और अन्य सामान खरीदा जाएगा। पोस्टल एजेंट द्वारा उसी एरिया में टिकटों और अन्य सामानों को बेचा जाएगा जो एरिया उसे अलॉट किया जाएगा। कोई भी पोस्टल एजेंट अपने एरिया के अलावा किसी अन्य एरिया से ये सामान नहीं बेच सकता। कितने समय के लिए दिया जाएगा लाइसेंस? पोस्टल एजेंट को डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से 1 साल तक रिव्यू किया जाएगा। अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, अगर उसका व्यवहार अच्छा लगता है, तो उसके इस काम को आगे बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि उसका जो भी अग्रीमेंट है, जो भी उसका कॉन्ट्रैक्ट है, उसको रिन्यू कर दिया जाएगा। यही नहीं, ये जो कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ेगा, ये 3 साल तक का बढ़ सकता है। नियमों के मुताबिक 1 साल के बाद लाइसेंस की अवधि को 3 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। वहीं 3 साल की अवधि खत्म होने के बाद पोस्टल एजेंट की लाइसेंस की अवधि को भी बढ़ाया जाएगा, अगर उसके द्वारा सही से कार्य किया गया होगा। इसलिए आपको मिले हुए लाइसेंस की अवधि अपने काम पर निर्भर करती है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा किसी भी पोस्टल एजेंट के लाइसेंस को कभी भी खत्म किया जा सकता है। इसलिए आपको एजेंट बनने का काम जिम्मेदारी से सही से निभाना होगा, क्योंकि आपकी एक गलती के कारण डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आपका लाइसेंस रद्द कर सकता है। आवेदन की प्रक्रिया। अब आवेदन करने के लिए आपको जो फॉर्म भरना है, उसका लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया है, उस पर जाइए, उसको क्लिक कीजिए और जो भी प्रोसेस है उसे भर के आप अपना आवेदन पत्र भर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आवेदन से डाक एजेंट अनुबंध नामक फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना होगा। प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको इस फॉर्म को भरना होगा और फॉर्म भरने के बाद इसे पास के डाक विभाग में जमा करवाना होगा। लेकिन अगर आप लिंक से फॉर्म डाउनलोड नहीं कर पाए, तब आप पोस्ट ऑफिस में जाकर इस फॉर्म को खरीद सकते हैं और इस फॉर्म को वहीं भर कर जमा भी करवा सकते हैं। ये फॉर्म आपको हिंदी या फिर अपनी स्टेट लैंग्वेज में भी मिल जाएगा, इसलिए आपको जिस भाषा का ज्ञान है, आप उस भाषा में इस फॉर्म को ले सकते हैं। ये फॉर्म जमा करवाने के बाद अगर आपका सिलेक्शन डाक विभाग द्वारा पोस्टल एजेंट के लिए कर दिया जाता है, आपको इसकी जानकारी दे दी जाएगी और आप पोस्टल एजेंट बन जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा और इससे जुड़ा कोई भी सवाल आपके जहन में है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम हमेशा ही चाहते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो अपना बिजनेस करने का सपना साकार कर सकें। इसके लिए हम तमाम वीडियोस लेकर आते हैं और हम ये भी जानते हैं कि हम और आप जैसे लोग जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, उनको बिजनेस शुरू करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। नुकसान की भरपाई के बारे में विचार आते हैं, क्योंकि एक लिमिटेड बजट में काम करना और उसके बाद ये ख्याल कि अगर जो हमने इन्वेस्ट किया है वो पूरा का पूरा डूब गया तो क्या होगा। ऐसे में हम चाहते हैं कि इस डर को निकाला जाए, फैक्ट्स पर आधारित चीज़ों को आपके सामने लाया जाए, ताकि जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, जो भी स्कीम्स, जो भी पॉलिसीज गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जा रही हैं, उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठाए जाएं। क्योंकि ये जो पॉलिसीज होती हैं, ये सब हमारे लिए होती हैं, आम जनता के लिए होती हैं, लेकिन फिर भी हम सरकार को कोसने का काम करते हैं, क्योंकि उसका सही से ज्ञान हमें नहीं मिल पाता है। तो जितनी भी आपकी सोच है, जितनी हमारी सोच है, हम आदान प्रदान करेंगे, अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे और इसी के ज़रिए एक नए भारत का जो निर्माण करने की हम बात कर रहे हैं, उसके निर्माण की कोशिश करेंगे, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाएंगे और जितनी कम चिंता में जितना ज़्यादा बिजनेस हो पाएगा उसको एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे को कमेंट कीजिए, कोई भी आपको शंका है, कोई भी मन में किसी भी तरह का सवाल उठ रहा है बिज़नेस को लेके, ज़रूर लिखिए। हम एक्सपर्ट्स को लाएंगे आपके सामने, एक्सपर्ट से आपकी बात करवाएंगे और आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा लाइक कीजिए वीडियो को पसंद आया तो, और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि आप तक पहली नोटिफिकेशन मिल सके। थक गई हूँ क्योंकि अगली बार फिर से आना है, रिसर्च करनी है, लोगों के साथ मिलना है। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।